अस्सलाम वालेकुम ऑल, दिस इज़ जुनेद इकबाल और आज हम ई कैट मैथ सीरीज़ के हवाले से ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल की साइड्स और एंगल की स्टडी को करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और उसमें बेसिकली ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इनके एंगल्स, तीन एंगल्स जो होते हैं और तीन साइड्स, इनकी स्टडी को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हम बेसिकली इसी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट आपसे इसमें डिस्कस करना है, आर्क लेंथ और इन यूनिट सर्कल। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लेट से एक सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक लाइन है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, लेट से ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है, सही है, पी एक पॉइंट है, यहाँ से ये पी वन है, ये पी टू है, लेट से ये कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, पी वन है और ये पी टू है। ये जो लेंथ, और एक और चीज़, रेडियस जो है वन यूनिट है, इसलिए इसको यूनिट सर्कल का है। ये जो लेंथ कहलाती है ना, ये आर्क लेंथ होती है। तो अगर आर इक्वल्स टू वन हो और ये जो एंगल कहलाता है, ये थीटा कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये बेसिकली आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, जिसमें रेडियस वन यूनिट होता है, थीटा आपका रेडियंस में होता है और बेसिकली ये रिलेशन होता है, टू पाई रेडियंस जो होते हैं वो 360 डिग्री, यानी होल रोटेशन को 2 पाई रेडियंस कहते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक पाई कहलाता है ज़ीरो से, और फिर जब यहाँ से यहाँ दोबारा जाता है तो ये 2 पाई पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह पाई रेडियंस क्या होगा, 2 वहाँ डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये रिलेशन होता है। तो डिग्री से रेडियन भी मैं निकाल लेता हूँ, ये तो रेडियंस है, यानी कि 1 रेडियन वुड बी 180 अपॉन पाई, दिस इज़ वन रिलेशन। सिमिलरली अगर मैं डिग्री टू रेडियन करना चाहूँ, सो इट वुड बी 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, और यहाँ पे 1 डिग्री वुड बी पाई अपॉन 180 रेडियन। सो ये एक और मेरा रिलेशन। ओके, ये तो मैंने ये जो है एक चार्ट ड्रॉ किया है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू, 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियंस। सो अगर मैं 0 की बात करूँ तो वो तो 0 रेडियन होगा, 30 की बात करूँ तो सबको ना आपने 180 से डिवाइड कर देना, 30 डिवाइड बाय 180 1.6 आता है और पाई उसके साथ लगा दें, 45 को 180 से डिवाइड करें तो 1.4 आता है, पाई उसके साथ लगा दें, 60 को करें तो 3 आता है, 90 को करें तो 2 आएगा, 120 को अगर 180 से करेंगे तो इट वुड बी 2/3, 6 × 2 = 12, तो पाई इसके साथ लगा दो। तो इसी तरह डिग्री से पाई में रेडियन में करने के लिए बेसिकली आपने 180 से डिवाइड कर देना उसको। तो ये सिंपल तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए बेसिकली। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और क्वाड जो होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में बेसिकली पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर। और यहाँ पे आपके पास साइन और कोसेक, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन एंड कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे कॉस और सेक जो होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। सो ये आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए इसका। इसके अलावा तीन आइडेंटिटीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, आप पढ़ चुके हैं इसको, जस्ट मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ इसको, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाएंगी आगे भी इंशाल्लाह। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन,
और टेन के साथ जो होता है वन इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी, और इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा के साथ जो होता है वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली थ्री आइडेंटिटीज़ इनका आपको पता। इसके अलावा कुछ सम टू प्रोडक्ट फार्मूला हैं वो आपको इनका आइडिया होना चाहिए, ये डिफरेंट एंगल्स में यूज़ हो रहे होंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। अभी मैं सिर्फ आपको सम टू प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि नंबर वन, एक है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल्स प्लस हो रहे हैं ना, तो सम कह रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो इसलिए इसको प्रोडक्ट कह रहा हूँ। साइन अल्फा के साथ कॉस बीटा, देन कॉस अल्फा के साथ साइन बीटा, ओके। यही चीज़ अगर साइन अल्फा माइनस बीटा होगी तो आपने क्या करना है, यही चीज़ करनी है, बस माइनस का साइन इसमें लगा देना है, ओके। इसके अलावा आपने, अगर आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा आता है तो आपने क्या करना है, इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा और प्लस वाले में माइनस आना है, माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, तो दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। इसके अलावा टेन अल्फा प्लस बीटा, तो इसका क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ओके। और लास्ट जो है वो है टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और वन के साथ प्लस हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले, अगर इसी को आपने कॉट में करना है तो वो वन अपॉन टेन हो जाता है, तो वो बेसिकली मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, तो कॉट का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कॉट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेसिकली ये टेन से ही डिराइव हुआ है, वन अपॉन टेन इक्वल टू कॉट होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन। टेन अल्फा की जगह वन अपॉन कॉट अल्फा लिख लीजिएगा, वन अपॉन कॉट बीटा एलसीएम वगैरह लिखे जब आप करेंगे तो यही चीज़ आपकी आएगी जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हो जाएगा, यानी वहाँ पे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ऊपर आता था तो यहाँ नीचे आ गया, या वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा होता था, यहाँ न्यूमिनेटर में कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह कॉट अल्फा माइनस बीटा में क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव में होता है तो यहाँ भी पॉजिटिव में, और यहाँ पर क्या है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये चंद फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे अगर आपसे साइन 60 डिग्री कहता है तो साइन 30 प्लस 30, और यहाँ पे मैं 30 लिखूँ, यहाँ 30 लिखूँ, यहाँ 30, यहाँ 30, तो ये साइन 60 की जो वैल्यू आती है वैसे आपको पता होनी चाहिए साइन 30 की वैल्यू। और ये भी मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज़ किस तरह से कुछ याद करनी, चंद वैल्यूज़ आपके जहन में होनी चाहिए, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अब ये साइन और कॉस की एटलीस्ट 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ये आपको वैल्यूज़ फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। लेट से आपने साइन 30 की बस वैल्यू याद करनी है, ये 1/2 होती है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ये आपको बस पता होनी चाहिए। इसके ज़रिए से आपने क्या करना है, जो साइन 60 की होगी डेट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 30, बिकॉज इसको दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देयर सम इज टोटल टू 90 डिग्री, सो वट एवर द वैल्यू ऑफ साइन 30 वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉस 60, यानी साइन 30 की अगर यहाँ पे 1/2 है सो कॉस 60 की भी 1/2 है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा डन हो गया। साइन 60 की जो वैल्यू है डेट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 30, ओके। बेसिकली आपको सिर्फ ये दो वैल्यूज़ याद करनी है, और ये भी आपको पता होना चाहिए साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, तो जो साइन 0 की होगी वो कॉस 90 की होगी, क्यों, क्योंकि 0 प्लस 90 90 होता है। इसी तरह जो कॉस साइन 90 की 1 है तो कॉस 0 की भी 1 है, तो आई होप ये आपको क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया तो आप 10 कॉट की तो निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 0 का मतलब क्या है, 10 0 का मतलब है साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 आपके पास 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगी। और कॉट क्या होता है, 1/10 0,
वन अपॉन टेन जीरो का मतलब होता है वन अपॉन जीरो, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक का मतलब क्या होता है, सॉरी सेक जीरो का मतलब ये होता है वन अपॉन कॉस जीरो। वन अपॉन कॉस जीरो क्या होता है, वन अपॉन वन। ओके कॉस जीरो वन होता है तो वन अपॉन वन ये भी वन हो जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड क्या होता है, कोसेकेंड होता है वन अपॉन साइन जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। ओके तो जब आपको ये पता चल गया आप सबकी निकाल सकते हो। टेन थर्टी का मतलब क्या है, साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी, यानी वन अपॉन टू डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री अपॉन टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री। इसी तरह टेन सिक्सटी का मतलब ये होता है साइन सिक्सटी अपॉन कॉस थर्टी, टू टू कैंसिल है अंडर रूट थर्टी थ्री। टेन नाइन्टी का मतलब होता है वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, और कॉट थर्टी का मतलब होता है जो टेन उसका उल्टा कर दें आप, या कॉस अपॉन साइन भी कर सकते हैं, तो अंडर रूट थ्री, ये वन अपॉन अंडर रूट थ्री। और ये इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, वन अपॉन ज़ीरो, उसका उल्टा क्या होगा, ज़ीरो अपॉन वन ज़ीरो ज़ीरो। अब सेक थर्टी क्या होगा, वन अपॉन कॉस थर्टी, तो कॉस थर्टी जो है अंडर रूट थ्री अपॉन टू है, तो ये टू अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, ये वन अपॉन टू से टू हो जाएगा, ये ज़ीरो से वन अपॉन ज़ीरो यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वन अपॉन टू से टू हो जाएगा, ये अंडर रूट थ्री अपॉन टू से टू अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और ये वन से रेसिप्रोकल वन ही होता है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ ये चार वैल्यूज़ पता होनी चाहिए थी, उससे आपने ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर लिया। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये टेक्निक और अच्छी समझ में आ जाएगी। ओके अभी हम लोग ने सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा था, अभी हमें प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला भी है जो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले में बेसिकली क्या है कि आपने, आपको लेट से ये दे दिया जाए साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके तो इसका आपने किस तरह से करना है, वन अपॉन टू, अभी प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों, आगे क्या होगा सम होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस में साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपने याद करना पड़ेगा। ऑल्दो उसकी डेरिवेशन होती है बट डेरिवेशन मकसद नहीं है ई कैट में, जैसे आपको फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सो कॉस अल्फा साइन बीटा ये भी वन अपॉइंट टू के साथ आएगा, और यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा ही होगा, ये आप याद करने में आसानी होगी, यहाँ माइनस आ जाएगा बस। यहाँ बेसिकली माइनस आ जाएगा, मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह थर्ड पे साइन अल्फा साइन बीटा, इसका क्या होगा, इसमें माइनस का साइन आएगा, और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का एक्चुअली फॉर्मूला है, तो माइनस। ओके इसी तरह कॉस अल्फा कॉस बीटा वन अपॉन टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ साइन अल्फा साइन बीटा में यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपको बेसिकली ये दे दिया जाए ना कि अल्फा आपके पास 30 डिग्री हो, बीटा आपके पास 40 डिग्री हो, तो आप बेसिकली साइन अल्फा साइन कॉस बीटा अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी, यानी 30 प्लस 40 आप पुट कर देंगे या 30 माइनस 40 यानी माइनस 10। ओके तो ऐसा साइन जब माइनस 10 होगा यहाँ पे, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, आप करके देख लीजिएगा, साइन माइनस 30 की वैल्यू माइनस साइन 30 के बराबर होगी, बट कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सम आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, सम आइडेंटिटीज, सम आइडेंटिटीज में क्या है, आपके पास चार आइडेंटिटीज हैं, यानी साइन यू प्लस साइन वी इक्वल्स टू टू, मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा, बेसिकली यू का जो मतलब होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू है, ये वही है जो प्रोडक्ट टू सम मैंने आपको कराया, सो इट वुड बी अ डुप्लीकेशन, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, सो आई शुड नॉट डू इट।
ओके, अब जो मैं करवाऊंगा वो आपको करवाऊंगा डबल एंगल फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। मैं जितने आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ इसको आप एक मरतबा अपनी फर्स्ट ईयर की बुक से भी एक मरतबा देख लेना, ये आपके जहन में होना चाहिए। ओके, सो अगर आपके पास साइन टू थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यानी अगर आपके पास साइन टू इंटू थर्टी है ये इक्वल होगा टू साइन थर्टी कॉस थर्टी के। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपके पास कॉस टू थीटा जो है इसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपने यहाँ पे क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इट बिकम्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपको ये जहन में होना चाहिए, दैट वुड बी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें अल्फा को भी थीटा ले लें, बीटा को भी थीटा ले लें, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए आपको। साइन टू थीटा वही वाली बात है, अल्फा को भी थीटा, बीटा को भी थीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला जो लगा सकते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आपके जहन में होना चाहिए। और वो क्या है आपके पास फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपके पास आएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो यू भी लिखा जा सकता है, ये भी है फॉर्मूला और ये भी लिखा जा सकता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तभी जब आप साइन टू थीटा अपन कॉस टू थीटा करेंगे ना तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे ये आ रहा है। तो दो साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा को लिखने के दो तरीके हैं। इसी तरह अगर आपसे टेन टू थीटा का यहाँ पे मैं फॉर्मूला पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे, इसमें दोनों का डिवाइड करोगे तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह हाफ एंगल फार्मूलाज भी होते हैं, तो हाफ एंगल फार्मूला को आपने किस तरह से लिखना है, हाफ एंगल फार्मूला में आपने साइन थीटा अपॉन टू वुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू। इसी तरह कॉस थीटा अपॉन टू वुड बी, नाउ हियर इट वुड बी वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू। ओके, और टेन थीटा अपॉन टू क्या है, दोनों को आप न्यूमेरेटर डिनोमेटर में रख देंगे तो ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए, वन माइनस कॉस थीटा, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वन प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, बोथ इन अंडर रूट।